सामने की जो ग्रिल है दैट इज ऑल्सो मेटेलिक एंड हाथ में लेते ही बहुत प्रीमियम फील आ रही है तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग फॉर श्योर नीचे आपको टिपिकल थ्री पिन एक्सेलर कनेक्शन मिल जाता है यानी कि यहाँ से ऑडियो इंटरफेस एंड ऑडियो इंटरफेस से आपके कंप्यूटर तक इसका कनेक्शन पहुंच जाएगा दैट शुड गिव यू अ प्रीटी हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग सामने एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है तो जैसे ही माइक्रोफोन ऑन होगा आपको यहाँ पे लाइट दिखेगी आपको बॉक्स के अंदर ही माइक्रोफोन होल्डर भी मिल जा रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको लगाना बहुत आसान है अब बस लगाकर ऐसे स्क्रू अप कर दीजिए एंड देर यू गो

That's the best part about it. ये जो audio capture pattern है जो कि सिर्फ और सिर्फ सामने से जोर की audio record करता है लेकिन पीछे से उतना नहीं करता है इसको कहा जाता है cardioid pattern. This is a hyper cardioid pattern to be very honest. Which means अगर आपका room treated ना भी हो यानी कि एक्स्टिक पैनल वगैरह आपने लगाकर नहीं रखे तब भी इससे जो है नॉइज़ बहुत कम कैप्चर होने वाला है आपका रॉ ऑडियो काफी बेहतर तरीके से ये कैप्चर कर पाएगा और इसका जो कंडेंसर कैप्स्यूल है यानी कि जहां पर रिकॉर्डिंग चल रही है दैट इज़ वेरी हाई सेंसिटिव तो ये हाई सेंसिटिविटी की वजह से क्या होगा कि आप जब गिटार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर मान लीजिए आप एक बहुत सोलफुल गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ऑडियो बहुत डिटेल्ड तरीके से ये रिकॉर्ड करेगा एंड ऑडियो में जितनी डिटेलिंग होगी ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी हाई होगी हाई क्वालिटी माइक्रोफोन्स जो होते हैं कंडेंसर माइक स्पेसिफिकली उनका एक फीचर ये होता है कि बहुत ही लो पिच और बहुत ही हाई पिच इन दोनों को ही जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर पाता है यानी कि आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं तो इसको टेस्ट करने के लिए कि इस पर कैसे होता है मैंने अपना गिटार निकाला है बहुत दिन बाद मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये मेरे गिटार के होल के पास जो है आ पाए लिसन टू दिस डिटेल्स और एकदम हाई स्ट्रिंग जो है उसको सबसे हाई फ्रिट में यानी कि यहाँ पर तो इतनी दो एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज को जब ये कैप्चर कर पा रहा है बिना किसी आर्टिफैक्ट के यानी कि नॉइज वॉइस ये सब नहीं आ रहा है देन यू ऑलरेडी नो कि दिस इज अ चैंपियन तो जितनी डिटेलिंग के साथ और जितनी अच्छी तरीके से ऑडियो को ट्रैक कर पा रहा है आई एम वेरी श्योर की स्टूडियो में तो बहुत अच्छा यूजफुल होने वाला है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर लाइव परफॉर्मेंसेज एंड वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स हर तरीके की रिकॉर्डिंग इससे पॉसिबल हो रही है सो so, मैंने हर एक तरीके से इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन की टेस्टिंग कर ली एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आपको भी समझ में आ चुका होगा कि दिस इज अ अटेस्टिक परचेस आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी एंड आई रियली अप्रिशिएट जेबीएल कमर्शियल उन्होंने मुझे ये माइक्रोफोन भेजा टेस्टिंग करने के लिए इट्स रियली वेरी गुड एनी वेज तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन